हेलो फ्रेंड्स, आज हम भिंडी आलू बिल्कुल अलग स्टाइल में बना रहे हैं। आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बढ़िया चटपटे से फ्राइड भिंडी आलू हमने बनाए हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं भिंडी आलू। पूरी से, पराठे से, रोटी से खाइएगा, बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है। और आप इस सूखी सब्ज़ी को हर जगह ले जा सकते हैं, आप सफ़र में हो, बच्चों को स्कूल में देना हो आपको टिफ़िन में, तो आप मज़े से पराठे के साथ बच्चों को ये मसालेदार फ्राइड भिंडी आलू दीजिएगा, बहुत पसंद आएंगे उन्हें। आइए आपको बताते हैं कैसे बनाना है। हमने भिंडियों को अच्छे से धोकर काट लिया है और एक कॉटन के कपड़े पर फैला दिया है, 10 मिनट के लिए फैला दीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम कम हो इस तरह से, तो जैसे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने कॉटन के कपड़े पर फैलाकर और उसी से इसको पोंछ देना है। अच्छे से पोंछ दीजिएगा आप और रगड़कर साफ़ कर दीजिएगा ताकि इनका जो चेप है वो निकल जाए। कढ़ाई में हमने एक बड़ा चम्मच ऑयल लिया है, आप चाहे मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। मैं रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ, तो मैंने आलू डालने हैं तो मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लेकर छोटे छोटे उसके पीसेस कर लिए हैं। आप किसी शेप में भी काट लीजिएगा, लेकिन काटिएगा छोटे ही, क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी गल जाती है और आलू टाइम लेता है, तो बड़े साइज़ का आलू अगर आप काटते हैं तो बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो आप छोटे छोटे पीसेस कर कर ऐसे तेल में फ्राई कर लेंगे, हाई फ्लेम पर कीजिएगा फ्राई, खूब अच्छा गर्म तेल हो जाए तब डालिएगा आलू, तब जल्दी हमारे आलू गल जाएंगे। तो ये इस टाइम 90% आलू हमारा गल चुका है। एक साइड में कर कर हम इस आलू को एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से, तो ये गल गए हैं और बाकी हम भिंडियों के साथ इनको गलाएंगे। इस तरह से तेल से आप बिल्कुल बाहर निकाल लीजिएगा। मैंने थोड़े से क्यूबिकल से काटे हैं, आप जैसे चाहें काट लीजिएगा। मैंने 1 से 1.5 बड़े साइज़ का प्याज वापस से उसी तेल में फ्राई करना है और डार्क फ्राई नहीं करना है, बस इतना सा करना है कि सॉटे हो जाए। तो हम चलाते हुए प्याज़ों को इस तरह से हल्का सा सॉटे होने देंगे। तो यहाँ पर देखें प्याज़ों का कलर चेंज हो गया, तो मैंने 1/2 टीस्पून के करीब ज़ीरा डाल दिया और अब ज़ीरे के साथ थोड़ा सा प्याज़ों को पकने देंगे। बीच बीच में आप चला दीजिएगा वरना ये एक साइड से जल जाएंगे। तो ये देखें अच्छे से ज़ीरा और प्याज पक रहे हैं, तब मैंने भिंडियाँ जो आपको अभी दिखाई थी ना वो ऐड कर दी हैं। वैसे तो आप भिंडी को साबित भी गीला कॉटन के कपड़े से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप काटने के बाद कॉटन के कपड़े से साफ़ करेंगे तो उसका जो भी अंदर का कटने के बाद लोआब बाहर आएगा वो कॉटन के कपड़े से क्लीन हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप भिंडियों को काटने के बाद उन्हें धूप में रख दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, तब भी उनका चेप जो है, जिसे लोआब बोलते हैं, चेप वो निकल जाएगा, तो हमारी खिली खिली सी सब्ज़ी बनेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो कैरी की खटाई हम लोग घर में सुखाते हैं ना, वो 3 से 4 डाल दी हैं खापे पीसेस से मेरे पास, मोटे मोटे ड्राइड जो कैरी की खटाई होती है तो हम मोस्टली घर में सुखाते हैं हम लोग, वो डाल दी। तो आपने देखा होगा मैंने 3 से 4 लाल मिर्चें जो साबित होती हैं अच्छे डार्क कलर की, लीजिएगा बड़ी अच्छी लगती हैं वो डाल दिए हैं। काटने के बाद आलू डाल दिए हैं और ये सारी सब्जियां हमारी डल चुकी हैं। अब हम मसालों की तरफ आते हैं, ड्राइड मसाले डालेंगे हम इसमें, नमक डालेंगे और मिर्च तो मैं काट कर डाल ही चुकी हूँ, थोड़ी सी बस हल्की सी शिमला मिर्च, सॉरी ये कर डालूँगी MDH की देगी वाली ताकि कलर अच्छा लगे। तो अच्छे से भूनने के बाद हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक मत डालिएगा, ड्राइड भिंडी आलू पका रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और थोड़ा सा हम आज यहाँ पर चाट मसाला भी डालेंगे, ये डालना वैसे तो ऑप्शनल है लेकिन आप डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा, भिंडी आलू में चटपटा सा बनेगा, तीखा सा,
और अलग ही टेस्ट देगा ये चाट मसाला जो हम डाल रहे हैं। हाफ टी स्पून के करीब आपने देखा होगा मैंने डाल दिया, नमक डाल दिया और यहाँ पर थोड़ी सी मैं कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो डाल दूँगी। तो वो भी डालना ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो कलर थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो खाने में भी मज़ा आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं धनिया पाउडर भी यूज़ करती हूँ। सब्जियों में वैसे तो डालना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप धनिया पाउडर डालेंगे ना तो धनिया पाउडर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है सब्जियों में। तो देखिए लास्ट में मैं ये मिर्च डाल देती हूँ, बहुत थोड़ी सी मिर्च डाली है मैंने, ध्यान से डालिएगा क्योंकि उसका कलर डार्क होता है, ऐसा ना हो कि भिंडी आलू हमारा थोड़ा सा डार्क हो जाए और ब्लैक लगने लगे। यहाँ पर बस मैं एक बड़े चम्मच के बराबर पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, आलू गल चुका है हमारा, भिंडी को हमें बस स्टीम देकर ही थोड़ा सा बस अच्छे से गला लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच के हिसाब से पानी डाला है, सब्जियों में पानी बहुत कम ही डालिएगा और वैसे ही भाप से ही गल जाती हैं, बहुत नाजुक होती हैं वो तो सब्जियाँ, तो भिंडी भी इसी तरह गल जाएगी। पानी डालने के बाद मैं अच्छी तरह से देखें सारे मसालों को एक जगह कर लूँगी, खूब अच्छे से इक्वली मिला दूँगी। तो यहाँ पर मैं ढककर पकाऊँगी थोड़ी देर के लिए भिंडी आलू को, गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है और 5 से 7 मिनट देखें पकाने के बाद मैंने चेक किया, मेरा भिंडी आलू बहुत अच्छा बना है, आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आया है ना, और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी सा लग रहा है। तो आइए इसे डिश आउट करते हैं। तो देखने में ही कितना बढ़िया लग रहा है, तो इसे कौन खाना नहीं चाहेगा, बच्चे तो बहुत शौक से खाएंगे, दौड़ कर खाएंगे, लेकिन पराठे और पूरी से बहुत लाजवाब लगता है। आप पूरी पराठे से एक बार ज़रूर बनाइएगा। ओके, फिर मिलते हैं एक नई